नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे YouTube पर पिछले दो दिनों से एक टॉपिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है और वो है विनोद। तो हर कोई जानना चाहता है कि विनोद कौन है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है और ये क्यों YouTube पर इतना ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को सोचा कि चलो बता देती हूँ। जैसे नोटबंदी के समय सोनम गुप्ता अचानक बेवफा हो गई थी, एक नोट पर लिखा आया सोनम गुप्ता बेवफा है और वो इतना ट्रेंड हुआ कि मतलब हर कोई उसी के बारे में बात करता था और बेचारी सोनम गुप्ता बेवफा हो गई थी। अब कौन थी सोनम गुप्ता हमें तो पता ही नहीं चला आज तक, लेकिन ये विनोद वाला मामला क्या है इस पे आज हम बात कर लेंगे और इसके पीछे की कहानी समझ में आ गई है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है स्ले पॉइंट, उस चैनल ने वो ये बताता है कि इंडिया में जो लोग कमेंट करते हैं वो किस तरीके से कमेंट करते हैं। तो इस टॉपिक पे उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने एक विनोद थारू नाम का आदमी था उसका उसने कमेंट दिखाया, जिसमें उस कमेंट में उसने सिर्फ कमेंट में विनोद लिखा हुआ था, मतलब उसने उस वीडियो के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था, उसका कमेंट सिर्फ विनोद था, बी वी नहीं बी। तो अब उसने इसका मीम वो अपने चैनल पर दिखाया और उसके बाद इस पे मीम बनने लगा और वो मीम इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ कि अभी पिछले दो दिनों से यूट्यूब पर विनोद कौन है हर कोई ये जानना चाहता है और सोनम गुप्ता की तरह आजकल विनोद बहुत ट्रेंडिंग में हो गए हैं। तो यही है इसके पीछे की कहानी, तो पता चला तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लूं। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार।